वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जाहिद लॉ। तो आज का जो चैलेंज है ना बहुत बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट के साथ साथ जो है बहुत मजेदार भी होने लगा है और फूडी होने लगा है और सब कुछ होने लगा। इसके साथ इसमें एक जरा सा ट्विस्ट भी आने वाला है। ट्विस्ट क्या है आपको भी पता चल जाएगा। तो जी आज का जो चैलेंज है वो हम लोग करने लगे हैं पिंग और फीस 250 फॉर 24 आवर चैलेंज। ये देखें जी 250 रुपए हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट हम लेके आए हैं। ट्विस्ट ये है कि ये 250 में हम दोनों ने पूरे दिन का 24 घंटे का खाना मिलके खाना है। मतलब पहले हमारा होता था ना सिंगल, लेकिन अब 250 में हम दोनों ने जो है खाना है और वो भी सेपरेट करके, समझ रहे हैं बात, क्योंकि यार इतना बजट कोई नहीं उस्ताद जी। बजट को छोड़ के एक डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया। हमने कहा थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। तो फिर चलते हैं अपने पहले फूड की तरफ। वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट जी, आ जाए तो फिर करते हैं, खाते हैं वही खाते हैं। बस बना तो लग तो रहा है कि बहुत मज़ेदार किस्म का पराठा बनाया गया है, जैसा आपने देखा भी होगा। तो यार हमारा नाश्ता आ चुका है, नाश्ते को इंतज़ार नहीं करवाना क्योंकि बजट भी कम है और भूख भी बेहद बेहद लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भूख लगी भी है और बस खाते। बिस्मिल्लाह। पराठा तो बड़ा लजीज लग रहा है और साइज में भी काफ़ी बड़ा है। अब चने के साथ वो पराठा, चाय यार पीन सकते हैं, बजट होनी चाहिए चाय। छोड़े यार जो चने हैं ना बहुत मज़ा है। आज तो अच्छा है यार, ज़बरदस्त है ये। मैं आई थिंक करोड़ में पहली दफ़ा बाहर ना चुका हूँ, वो भी पराठा। बाहर से लेके जा रहे तो करते हैं, लेकिन बाहर पहली बार है। तो इट्स लंच टाइम। तो लंच में हम खाने लगे हैं जी बिरयानी, क्योंकि जो बजट हमारे पास है जैसा आपको पता है 125 रुपए का। तो लंच में क्योंकि लंच जो है मेरे ख्याल में हैवी होना चाहिए ताकि जो है ना पूरा दिन स्टेबल हो जाए। और ये सादा मंगवाई है हमने क्योंकि बजट हमारे पास कम था, बहुत कम था, इसलिए 50 वाली मंगवाई है सादा, ताकि जो है क्या कहते हैं इसको, हमारा जो पूरे दिन का बजट है वो अच्छा आ सके। और अब खाते हैं जी, हमारे बड़ी भूख लग रही है। ये तो पास हो, मैंने तो खाने पर जोर दिया हुआ है, ये मैंने तो बातें कर रहा है। अच्छा यही फायदा बनना, किसी के पास थोड़े से बहुत पैसे कम हो तो सारी तो खा भी सकते हैं, आलू भी मिलता है इसके साथ। इट्स स्नैक टाइम यार, स्नैक ढूंढ ढूंढ के हम तो थक गए। खाने का प्लान तो कुछ और ही था। देख रहे हैं क्योंकि एक चीज़ का हमारा मूड था स्नैक में और तीन चक्कर लगाए हैं पूरी सिटी के। चलें छोड़ें यार, अब छोड़ें, जो हो गया अब स्नैक का वक्त है। देखें आज हमारे पास बजट कुछ अच्छा था तो इससे अच्छी चीज़ होती नहीं है। अच्छा था 10 रुपये थे, मतलब पहले तो 5 रुपये थे ना, अब 10 है। तो लेज से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। हमारी तो वैसे फेवरेट है लेज यार, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। मैं वो लेज के साथ वैसे स्टिंग होती है, लेकिन स्टिंग तो नहीं, लेकिन रेड शर्ट है वो स्टिंग समझ लें मुझे यार। और सही है यार, मैं 10 रुपये के बजट में अच्छा कोई मटेरियल है मेरे ख्याल में। क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से लजीज भी है ये, मेरा तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। गाइज इट्स डिनर टाइम और बहुत ज़्यादा जो है भूख लग रही है, और आगे दही भले पड़े हों और भूख भी हो तो कैसा कॉम्बिनेशन। वैसे ये हैवी, बहुत हैवी किस्म के हैं ये, हैं जी दही और भले। तो करते हैं फिर इसको टेस्ट के कैसे बने हुए आज, क्योंकि यार भूख जो है बहुत ज़बरदस्त लग रही है और दही भलों से जो है हमारा चोली दामन का साथ है मेरा। बचपन से खाते आ रहे हैं, हर गर्मियों में खाने, रात के डिनर में तो दही भले होने चाहिए।
इसलिए इन्होंने कहा कि दही भले ही खाया जाए इस चैलेंज में, क्योंकि जितने पैसे कम होंगे उतना हमें सोचना, हमने पेट तो भरना है लेकिन पैसे भी थोड़े हैं, तो 30 रुपए में दही भल्लों से अच्छा कोई मील मेरे ख्याल में नहीं, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। काफी मजेदार बने हुए, लाइट बनवाया ना इसलिए मजा भी आ रहा है। और हमारे करोड़ के मशहूर दही भल्ले वाले हैं शाह जी, बचपन से जब हम छोटे थे तो 3 रुपए की प्लेट लेते थे इनसे, वो आज तक ले रहे हैं और हर जैसे मैं अपने गर्मी डिनर में खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इधर आके। तो यार डिनर के बाद काफ़ी काम करने के बाद डिज़र्ट टाइम भी आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि खाने को हज़म करने के लिए यार मीठा तो चाहिए चाहिए। और मैंने बशीर भाई को कहा कि यहाँ पे ज़रा हमारा काम तो हो ही रहा है तो साथ डिज़र्ट भी कर लें। यस, सांस फूल रही है आपकी। डिज़र्ट के लिए जो है हमने बहुत सोचा, क्योंकि 5-5 रुपए का बजट है तो उसमें क्या आ सकता है। तो बहुत दिमाग लड़ाने के बाद जो है, दिमाग के साथ PSL खेलने के बाद जो हमें पता चला तो बात यही है कि यार अगर आपको कम बजट में चैलेंज करना पड़ जाए ना तो आपको थिंक टैंक से सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना क्रिकेट में थिंक टैंक, क्रिकेट ऐसे हो रही है क्योंकि PSL 6 सीजन चल रहा है, तो डिजर्ट कर लेना चाहिए, खा लेना। क्योंकि 5-5 रुपए के दो आए हैं साहिद भाई का और मेरा, और मीठा जो है इसी से ही, इससे अच्छा मीठा क्या होगा है। तो ऑप्शन और हानी ये मेरा भी दे दिया, थैंक यू। चले आप भी खा लें, दूसरा भी खोल लेंगे बाद में। मतलब इससे अच्छा कोई डिजर्ट मेरे ख्याल में नहीं है। रियो जी जिसका फेवरेट है कमेंट सेक्शन भर दें कमेंट से, बचपन की याद ताज़ा हो गई आज तो, स्कूल टाइम में खाते थे ये रियो। तो ये था जी आज का एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज, कम बजट में ट्विस्ट वाला चैलेंज, आपको ट्विस्ट तो पता चल ही गया उन्हें। जैसे आपने ट्राइसेप देखा ऐसे ही आपने हमारी वीडियो देखनी है सारी की सारी। और यार उम्मीद करते हैं आजकल लिविंग वाला चैलेंज बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है यार, ये आसान नहीं है, सोचना पड़ता है कि क्या खाएं, सोचना, क्योंकि बजट होता है थोड़ा और पूरा दिन हमने गुजारना होता है और पूरा दिन वीडियो बनानी होती है यार, बड़ा हो जाता है। अब तो भूख भी ऐसे बहुत ज्यादा लगने लग गई है, कुछ अर्सा पहले तो मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाता था, अब खाता हूँ यार, अब तो गुजार ही नहीं होता। मतलब इस दफा कुछ पिछली वीडियो से कुछ अच्छा बेहतर बजट था, बजट थोड़ा सा तो बेहतर, क्योंकि जो दोपहर की बिरयानी और रात की दही भल्ले थे ना, वो भल्ले भले और भले भले हो। उम्मीद करते हैं आपको चैलेंज हमारा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो थम्स अप, थम्स अप फॉर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मास्टर, क्योंकि आप जब तक आप ब्लैक राइट नहीं करेंगे तो आपको भी जो हम आपकी तरफ पहुंच नहीं सकेंगे। हाय हाय, ये कहना चाह रहा हूं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करना आप तो मस्ट है। अगली वीडियो तक दे हमें इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।